हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो दोस्तों 2018 के सभी पुरस्कार और सम्मान, इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार और सम्मान है पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। विशेषकर रेलवे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन स्टूडेंट वाले इस वीडियो को जरूर देख लें, उसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी और पुलिस एग्जाम वाले भी जरूर देखें। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और अपने मैं अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो उस लिंक पर भी क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2017 ICAN को मिला था। किसको? ICAN को। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, और यह एंटी न्यूक्लियर अभियान चलाने वाली एक संस्था है, और दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद भयावह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उसके प्रयासों की वजह से यह दिया गया था। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, नोबेल प्राइज़ पहले 5 विषयों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा, तब से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे नोबेल प्राइज़? तो पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, साहित्य के लिए मिला था, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफ़ज़ई को 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, आपको बता दें कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो है दोस्तों, नोबेल का पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफ़ज़ई, 17 वर्ष में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे मिला है? ये मिला है ICAN को, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में फैक्ट शेयर करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो पुलित्जर प्राइज 2018 मिला है एंड्रयू शीन ग्रियर को, यानी ऑप्शन डी राइट है। किसको? एंड्रयू शीन ग्रियर को। देखिए दोस्तों, एंड्रयू शीन ग्रियर के उपन्यास लेस ने इस वर्ष के पुलित्जर पुरस्कार जीता है, और यह उपन्यास एक मध्यम आयु वर्ग के उपन्यासकार की हास्य कहानी दर्शाता है। तो उनके नोबेल लेस के लिए जो तो एंड्रयू शीन ग्रियर को मिला है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन पूछा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, प्रारंभ किया गया था, और यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और बता दें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, और यह USA के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2018 किसे मिला है? यह मिला है एंड्रयू शीन ग्रियर, उनके उपन्यास लेस के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दोस्तों, द शेप ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, द शेप ऑफ वाटर के लिए। दोस्तों, आपको ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बता देते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में, और यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है, और इसका ऑफिशियल नेम है दोस्तों, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। और इसके अलावा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था इसमें गुइलेमो डेल टोरो को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था गैरी ओल्डमैन को डार्केस्ट आवर के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला था फ्रांसिस मैकडोमंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था ऑस्कर में? द शेप ऑफ वाटर को। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? द शेप ऑफ वाटर को। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार 2018 किसे मिला है? दोस्तों, मान बुकर प्राइज 2018 मिला है ओल्गा टोकारजुक को। किसको? ओल्गा टोकारजुक को, उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए। और इस फ्लाइट्स की जो ट्रांसलेटर थी वो थी जेनिफर क्राफ्ट, ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, और मान बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में, और यह नोबेल पुरस्कारों के बाद दिए जाने वाले साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यह पुरस्कार बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा राष्ट्रमंडल देशों के कलाकारों को ही दिया जाता है। ठीक है, तो मान बुकर प्राइज 2018 किसे मिला? तो ये मिला है ओल्गा टोकारजुक को, उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार 2018 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है?
तो ग्रैमी पुरस्कार 2018 में दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 24K म्यूजिक के ब्रूनो मार्स के 24K म्यूजिक को, ठीक है, ब्रूनो मार्स के 24K म्यूजिक को। ग्रैमी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं तो थोड़ा दोस्तों, यह पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं और इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक जो थे पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ग्रैमी पुरस्कार 2018 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रूनो मार्स के 24K म्यूजिक को। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे मिला है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 मिला है विनोद खन्ना जी को। किसको? विनोद खन्ना जी को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में और ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। इसके अलावा पहली प्राप्तकर्ता कौन थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? तो ये मिला था देविका रानी रोरिक को, ठीक है। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे मिला है? ये मिला है विनोद खन्ना जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है? दोस्तों 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों कृष्णा सोबती को। किसको? कृष्णा सोबती को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1965 में और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसको मिला है? कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2018 किन दो भारतीयों को मिला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अभी रिसेंटली ही मिला है। तो रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2018 मिला है दोस्तों ये भरत वाटवानी और सोनम बांगचू को, यानी इन दोनों को। और रेमन मैक्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और ये फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैक्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसे दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों जो है तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था लेकिन 2001 से यह उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2018 किन दो भारतीयों को मिला? तो ये मिला भरत वाटवानी और सोनम बांगचुक को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 27वां सरस्वती सम्मान 2018 किसे मिला है? दोस्तों 27वां सरस्वती सम्मान 2018 मिला है, ये मिला है किसको? सितांशु यशचंद्र को, यानी ऑप्शन ए राइट है। देखिए दोस्तों, गुजरात के प्रमुख कवि नाटककार सितांशु यशचंद्र को जो तो अप्रैल 2018 में 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया। और आपको बता दें दोस्तों कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में, 1991 में। और इस स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जो है पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको, ठीक है। पहली बार किसको मिला था सरस्वती सम्मान? तो ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। तो 27वां सरस्वती सम्मान 2018 किसे मिला है? सितांशु यशचंद्र को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यास सम्मान 2018 किसे मिला है? तो व्यास सम्मान 2018 मिला है ममता कालिया को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए, ठीक है। और रामविलास शर्मा दोस्तों प्रथम विजेता थे व्यास सम्मान के। व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में, 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो व्यास सम्मान 2018 किसे मिला है? ये मिला ममता कालिया को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 मिला है देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह को, ठीक है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में यह आरंभ किया गया था। और सर्वप्रथम जो है दोस्तों विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।